नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टेक इट एक सचिन पर स्वागत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेगा। टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको क्रिप्टो रिलेटेड शॉर्ट न्यूज और पोस्टो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मुख्य विषय है डिसेंटरलैंड। डिसेंटरलैंड यानी कि माना, कॉइन का नाम है डिसेंटरलैंड, जिसे हम माना से जानते हैं। दोस्तों, इसकी पूरी कुंडली बताने वाले हैं। 2022 से लेकर 2025 तक किस तरह से यह कॉइन्स परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट बनाकर रखना चाहिए क्या नहीं, यह सभी बातें विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, इससे पहले हमने जो कि और दो कुंडली बनाई थी, जहां पर आपको पोलका डॉट और सोलाना के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं 32nd तक, यानी कि 32वां नंबर जो कि कॉइन मार्केट के ऊपर रैंक कर रहा है। इसकी फिलहाल जो कि आज की दिन, आज तारीख है 26 तारीख, इस दिन आपको लगभग 1.01 डॉलर के आसपास दिखाई देगा। मार्केट कैप की बात करें तो 1.87 बिलियन मार्केट कैप बन चुका है, और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 2.204 बिलियन डॉलर बन चुका है। दोस्तों, 1 ईयर हाई और 1 ईयर लो की बात करें तो 1 ईयर हाई जो कि 5.98 डॉलर का बनाया है, और जो कि फिलहाल 1 ईयर लो का जो कि 0.43 डॉलर बनाया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 5.90 डॉलर हो चुकी है, और ऑल टाइम लो की बात करें तो 0.00992 डॉलर जो कि ऑल टाइम लो है। दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। फंडामेंटल्स आप सभी को मालूम ही होगा, माना कॉइन जो कि खास मेटावर्स का टॉप प्रोजेक्ट है, मेटावर्स में टॉप रैंकिंग में जो कि रहता है। तो मेटावर्स बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है मेटावर्स का, और आप सभी को मालूम होगा कि मेटावर्स का क्रेज किस तरह से बढ़ गया है। प्लेटोअर्न है, यानी कि प्लेटोअर्न के गेम्स है, बहुत बढ़िया सा गेमिंग इंडस्ट्री है, और अपने एनएफटीज का कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है इनके पास। तो यह सब इसके फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसके तहत हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो यह है, आपको आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाकर चल सकते हैं। अब हमारे इन्वेस्टमेंट का, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया रूल है जो कि 90% क्रैश। इसका मतलब यह है कि जो कॉइन अपनी ऑल टाइम हाई से 90% क्रैश हो चुके हैं, तो उनमें हमें इन्वेस्टमेंट बनाकर चलनी है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी मेम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, मेम कॉइन की बात अलग है। मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन के बारे में बता रहा हूं, जो कि टॉप 100 कॉइन है, उनमें अगर 90% की जो कि क्रैश आपको देखने को मिलता है, तो उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट बनाकर चल सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर माना की ऑल टाइम हाई की बात करें तो 5.90 डॉलर है, जो कि 90% तक गिर कर अपना लो बना है 0.6290। जैसे ही इस लो को उन्होंने बनाया है 90% के आसपास, ठीक वहां से जो कि माना कॉइन पंप होने शुरू हो गया है, और लगभग अब 1.0 डॉलर के आसपास जो कि चल रहा है। तो दोस्तों, अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी जो बाइंग प्राइस बनेगी, यहां पर मैंने निकाला है जो करंट प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आप पहली बाइंग बना सकते हैं। अब इसका आपको बाइंग किस तरह से करना है, अगर आप ₹100 अगर आप माना कॉइन में लगाना चाहते हैं, तो एक ही बारे में पूरा पैसा नहीं लगाना है। तो इसमें हमने आपको 4 बाइंग प्राइस बनाई है। यहां पर आप पहले जो नंबर है, पहले जो करंट बाइंग प्राइस चल रहे हैं, वहां पर आप करीब करीब 40% की बाइंग कर सकते हैं जो फिलहाल अभी प्राइस चल रही है, या फिर 30% की बना सकते हैं। उसके बाद जो तीनों बचे हुए हैं, उसके बाद दूसरा जो इस यहाँ पर प्राइस मिलेगी 0.82 डॉलर के आसपास, तब अपना 20% जो कि बाइंग बना सकते हैं। उसके बाद ये जो बच सॉरी यहाँ पर 30 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 30 पहली प्राइस पर 30, और सेकंड प्राइस पर 30% कर सकते हैं। उसके बाद इस प्राइस पर मिलेगी तो 20% अपना बाइंग कर सकते हैं, और इस प्राइस पर मिलेगी तो 20%।
इस तरह से अपना पैसा आप डिवाइडेड करेगा, यानी ये जो प्राइस चल रहे हैं यहाँ पर, आप अपने अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 रुपये, यहाँ पर 30 रुपये, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, इस तरह की अपनी बाइंग बना सकते हैं। यहाँ से आप अच्छा खासा आपका डीसीए बन जाएगा। तो ये होगी बाइंग प्राइस। अब टारगेट्स की बात करते हैं। टारगेट्स यानी कि आपको निकालना कैसा है, तो टारगेट्स के लिए हमने जो कि 6 टारगेट्स बताए हैं यहाँ पर। पहला टारगेट जो कि $1.35 है, सेकंड $2.82 है, थर्ड $3.5 है, फोर्थ $4.2 है, फिफ्थ $5.24 है, और सिक्स जो कि $6 के बाहर है। ये हमने ऐसे ही नहीं निकाला है, तो ये सब रेजिस्टेंस को देखते हुए निकाला है और बाइंग प्राइस जो कि सपोर्ट्स को देखते हुए निकाला है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस पॉइंट पर, हर एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पर अपना थोड़ा बहुत पोर्शन सेल करते हुए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको सेलिंग कैसे करना है, आप चाहे तो यहां पर जो कि 15-15% तक का जो कि सेल आउट कर सकते हैं, यहां पर 20%, यहां पर 20%, उसके बाद जो 50%, 30%, इस तरह से आप जो कि सेल आउट कर सकते हैं, और आखिरी जो 10-20% जो भी आपके पास बचा रहेगा उसको $6 के बाद ट्रेल करते जाएंगे, यानी कि आप ऑर्डर लिमिट लगाकर चल सकते हैं। तो इस तरह से आप बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से आप जो कि अपना टारगेट जो कि अपने क्वाइंस को बेच सकते हैं। तो यह था। अब लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह के जो कि रिजल्ट माना कॉइन में देखने को मिल सकता है उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों यह जो कैलकुलेशन हम आपको दिखाई दे जो कि दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए, साथ ही BTC की प्राइस किस तरह से मूव करेगी उसको देखते हुए हमने ये बहुत थोड़ा बहुत जो कि अंदाजा लगाया है। 2022 के अंत तक, दिसंबर तक, माना की प्राइस जो कि $1.35 से लेकर $2.82 रह सकती है। अगर BTC इसी साल 2022 के अंत तक ही जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, तो समझे अपना जो कि माना भी अपना ऑल टाइम हाई को आसानी से टच करेगा। तो सब BTC ऊपर है। BTC किस तरह से मूव करेगा उसी तरह हम माना भी मूव करता रहेगा। अगर BTC ने 2023 के अंत तक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, तो माना भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। तो ये एक अंदाज जो कि थोड़ा बहुत देखते हुए हमने निकाला है। तो उसके हिसाब से 2023 के अंत तक जो कि माना का प्राइस जो कि $3.5 से लेकर $4.2 के आसपास जा सकता है, 2024 के अंत तक $4.2 से लेकर $5.24 तक जा सकता है, और 2025 के अंत तक अगर BTC अपना ऑल टाइम हाई तोड़कर आगे दौड़ेगा, तो माना भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़कर $6 के बाद आगे जाएगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों प्राइस जो कि आप सभी को मालूम होगा, BTC के प्राइस के अनुसार सभी कॉइन्स दौड़ते हैं, ठीक उसी तरह माना भी दौड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए जो कि इन्वेस्टमेंट बनाकर चले हैं, पार्ट में बाइंग करेगा और पार्ट में सेलिंग करेगा, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये ऑल ओवर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चले कि माना कॉइन में किस तरह से बाइंग करनी है और किस तरह से सेलिंग करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।